प्रयागराज आईजी केपी सिंह महिला सुरक्षा के बारे में मीडिया को दी जानकारी। आइए सुनाते हैं राजीव कुमार द्विवेदी की इस खास रिपोर्ट में। नारी शक्ति को मेरा नमस्कार। मैं आईजी प्रयागराज रेंज कविंद प्रताप सिंह आज आपसे नारी सुरक्षा के संबंध में कुछ जानकारियां साझा करना चाहता हूं। ये देखा जा रहा है कि शादीशुदा महिलाओं और बेटियों के साथ उनके परिवार में या उनके ससुराल में या बाहरी व्यक्ति के द्वारा उनके साथ मारपीट की घटनाएं, घरेलू हिंसा जैसे ताना मारना, उनको नीचा दिखाना, उलाहना देना या उनका मानसिक उत्पीड़न करना और इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं या वो दहेज के लिए उनका उत्पीड़न हो रहा है, इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी निराशा में महिलाएं या बच्चियां आत्मघाती कदम उठा लेती हैं जिनसे वो परिवार पूरा का पूरा परिवार और उनका जीवन तो नष्ट होता ही, परिवार भी बिखर जाता है। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस उनके साथ है और उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी सेवाएँ लगातार 24 घंटे उनके साथ हैं। देखा ये जा रहा है कि कभी कभी कुछ लोग फ़ोन से भी, अज्ञात फ़ोन से जो बातें आ रही हैं, उनको जो हमारा सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, उस पर जो फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही है अज्ञात लोगों से, उसको उन्हें नहीं टच करना है। और यदि वो कर लेती हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोई ब्लैकमेल करता है, कोई उसको अगर आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता है, आपकी फ़ोटो रिकॉर्ड कर लेता है, कोई भी सीन को वो एडिट करके लगाता है, तो इसके लिए घबराने की बात नहीं है। आप एडल्ट हैं, आपने यदि कोई बात की है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप किसी के साथ फिल्म देखने जाती हैं और वहाँ पर वो आपका कोई फ़ोटो ले लेता है, आपका जो फ़ोटो है उसको लेकर के ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं। पहले तो आपको अज्ञात फ़ोन से बात नहीं करनी है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मूवी नहीं देखने जाना जिस पर आपका विश्वास हो। लेकिन यदि आप गई भी हैं और यदि वो उसको उसका दुरुपयोग कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। वह व्यक्ति अपराध कर रहा है इन बातों को करके, आप कोई गलती नहीं कर रही हैं। आप इस बात को शेयर कीजिए, हम आपके साथ हैं, पुलिस आपके साथ है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपने कोई गलती नहीं की है, आपके अंदर कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे लगता है कि कोई आपका शोषण कर रहा है, गलत प्रयोग करके एक दुर्भावना, एक आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा रहा है, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हमारे लिए नारी की सुरक्षा, उसका सम्मान सर्वोपरि है। ज़रूरत इस बात की है कि महिलाएं या बेटियां इस बात को समझें कि उनका उनके मायके में और उनके ससुराल में, संपत्ति में उनका हक है, जायदाद में, मकान में, सब में उनका हक है। वो अकेली नहीं है, शासन और कानून उनके साथ है, पुलिस उनके साथ है और पुलिस की जो हेल्पलाइंस हैं जैसे 190 1090 181 112 या एक काउंसलिंग का नंबर है जो लगातार खुला रहता है, उस पर वो संपर्क कर सकती हैं 6390905002। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 6390905002। इस पर वो अपनी बातें कह सकती हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं, अपनी कोई व्यक्तिगत परेशानी उसको साझा कर सकती हैं और उनके लिए हमारे जो आशा ज्योति केंद्र है, हर जनपद में ये केंद्र है, वहाँ पर वो उनके लिए रुकने के लिए, उनके खाने के लिए, उनकी दवा के लिए, उनका ट्रामा सेंटर, उनकी काउंसलिंग के लिए सारी सुविधाएँ हैं और वो 181 के माध्यम से इन जगहों पर जा सकती हैं। वो व्यक्तिगत रूप से भी वहाँ जा सकती हैं और अपनी बातें शेयर कर सकती हैं। मैं ये भी कहूँगा कि यदि उनको कोई परेशानी लगती है, उनको कोई आदमी प्रताड़ित कर रहा है, तो अपनी बातें अपने परिजनों से जरूर शेयर करें। अगर ससुराल की बात है, ससुराल में उन्हें कोई दिक्कत है, तो अपने माता पिता से शेयर करें और उनके पेरेंट्स का भी, उनके भाइयों की भी ये जिम्मेदारी है कि उसको एक आसरा दें, क्योंकि अक्सर आवेश में आकर के लड़कियाँ कोई ऐसा आत्मघाती कदम उठा लेती हैं जिससे कि उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है, तो इसके लिए उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें मदद के लिए अपने विश्वास के लोगों से अपनी बातों को शेयर करना है। हमारी हेल्पलाइनें हैं जो मैंने ऊपर कहा है, जैसे 181 1090 112 पे बात करनी है, अपनी बातें कहनी है और पूरी की पूरी व्यवस्था उनके पक्ष में है। थानों में अलग से हमारे
महिला हेल्प डेस्क बनी है, वहाँ पर वो अपनी बातें कह सकती हैं। केवल ये है कि धैर्य अपना उन्हें नहीं खोना है। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी बातें शेयर कीजिए, हमारी हेल्पलाइन का उपयोग करिए, अपने परिजनों से अपनी बातें शेयर कीजिए, आपको हर समय मदद मिलेगी और आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कानून आपके साथ है, आपका पूरा हक है, आपके अपने पेरेंट्स के परिवार में, अपने ससुराल के परिवार में, तो आप तो दोनों तरफ से फायदे में हैं, निराशा की कोई बात नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम मिल करके एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे, जहाँ महिलाओं की सुरक्षा प्राइमरी इम्पोर्टेंस की बात होगी। मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूँ कि धैर्य रखिए, जो सरकार की हेल्पलाइंस है उनका प्रयोग करिए, अपनी बातें साझा कीजिए अपने परिजनों से, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। जय।